कहते हैं ना कि ज़िंदगी में लोग आते और जाते रहते हैं बट रास्ते वहीं रह जाते हैं। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन, मस्त एकदम गढ़वाल राइफल्स। आप जब भी नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती होगी, लैंसडाउन। तो चलो आज हम आपको लैंसडाउन ले जाते हैं। मस्त ब्लॉग आ रहा है, आगे पूरा एंड तक देखिए वाला ब्लॉग और आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग को देख के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रही है सुबह की 5:30 और मैं यहाँ तैयार होके बंठन के बैठ रखा हूँ, मतलब बैठने तक अपने गार्डन में आ रखा हूँ। तो टुडे आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप में, तो चलिए उस ट्रिप का आपको मज़ा दिलाते हैं। दोस्तों के साथ मिलके अपना इंट्रो स्टार्ट करेंगे। सो चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पर कंडोली में पहुँच चुका हूँ, यहाँ कुछ सारी दिखाई जो कि सबसे पहले आके यहाँ मंडरा रहा था। आज तो मेरे को कंडोली के चौराहे से देखा, उसके बाद मेरा फॉलो करते करते है कंडोली पार्क में। और यहाँ पर पार्क में देख सकते हैं बच्चे खेल रहे फुटबॉल और हम यहाँ सुबह लेके जा रहे हैं। तो अभी तक वो बंदे आ नहीं रहे हमारे, काला माल और दिव्यांश पता नहीं कितनी लेट कर रहे हैं हमें। यहाँ पर मतलब 15 मिनट हो गए, तब से मैंने अपना गिम्बल बैलेंस किया होगा, अपना कैमरा एडजस्ट किया होगा, तभी भी नहीं आया, मतलब अभी तक नहीं आए। और भाई मेरी तो नींद अभी तक पूरी नहीं हो रही है, देख सकते आप मेरी आँखों में। तो लेट्स वेट फॉर देम एंड देन विल स्टार्ट आवर ट्रिप। चलो चलते हैं। तो ये भाई इतनी देर लगा दी उन्होंने, हम यहाँ पर कंडोली वाली रोड में भी आ गए। हमने बोला थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो मीटिंग पॉइंट अब दूसरी जगह होगा। तो पता नहीं कब तक आएंगे यार, ये भाई बहुत लेट कर रहा है दिक्कू, बहुत ही ज़्यादा लेट भाई। तो वेट करते। हाय ये आ गए हीरो हमारे। सो फाइनली वी आर हेयर ऑल टुगेदर। इन्होंने काफ़ी लेट करी। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज हार्दिक रावत, द ट्रैवल ब्लॉगर ब्लॉगिंग लाइफ ऑन द रोड। सो टुडे हम जा रहे हैं लैंसडाउन, पौड़ी से 80 टू 90 किलोमीटर के डिस्टेंस में। सो हमारे साथ है थपलियाल ट्रैवल पार्टनर नंबर 1, कारावान ट्रैवल पार्टनर नंबर 2 एंड दिव्यांश ट्रैवल पार्टनर नंबर 3। तो अभी हम अपनी जर्नी के टुवर्ड्स मूव करते हैं क्योंकि काफ़ी लेट कर दी इन्होंने। तो सीधे चलते हैं हम मस्त एकदम। So let's go. काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का सीन काफ़ी सेट होने वाला है। तो हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्योंकि मैं अभी नींद में चल रहा हूँ, तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर रहा। बहुत नींद आ रही है भाई, ड्राइवर भी नींद में है, बैंकर सब नींद में भाई। चलो थोड़ा सा चलते हैं। बुआखाल से हमने राइट टर्न लिया जो कि कोटद्वार वाली रोड के लिए जाता है, और दूसरा टर्न जो होता है वो खिरसू के लिए जाता है। तो देखते हैं कि द्वालपा देवी में या फिर पार्टी सेंटर में सतपुली में से एक जगह हम अपना स्टॉप देखेंगे कि कहाँ पर रुके। और हमारे साथ हमारे राइडर्स आइए। ये न्यूट्रल चल रहा है हम तब से, न्यूट्रल थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। तो चलो तेल बच रहा है, बढ़िया है सार्थक के लिए, वरना वो तेल के लिए भी रोता है, हर चीज़ के लिए रोता है बेचारा। तो देखो पीछे जा रहा है न्यूट्रल आराम से, मेरा मास्क उतरे जा रहा है क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है। तो समझ जाना ठीक है। हम पे कुछ महंगी कार और बाइक तो नहीं है, बट हम पे एक स्कूटी है जिसके थ्रू हम अपने डेस्टिनेशन ट्रैवल करते हैं। चाहे वो कार्तिक स्वामी हो, चाहे वो डोबरा चाटी हो, चाहे वो लैंसडाउन का ट्रिप ही क्यों ना हो, बट हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम पे कार नहीं है, हम पे महंगी बाइक नहीं है, तो हम ट्रैवल कैसे करेंगे। बट इफ़ यू हैव दैट राइडिंग स्पिरिट यू कैन ट्रैवल विथ साइकिल टू। तो सफ़र दोस्तों के साथ देखा जाता है, सफ़र उन लोगों के साथ देखा जाता है जिनके साथ तुम अपना सफ़र तय करते हो। बाइक कार तो आती रहेंगी ज़िंदगी में, पर अच्छे लोग और अच्छे दोस्त कभी नहीं आते, और जो चले जाता है वो कभी फिर वापस लौट के नहीं आते। तो जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो और लोगों को अपने से दूर मत जाने दो, बिकॉज द वंस हु आर मेड फॉर यू दे रियली केयर, एंड उनको कभी हर्ट मत करना। तो हम घोड़ाखाल पहुंच चुके हैं। घोड़ीखाल तो हम घोड़ीखाल पहुंच चुके हैं। पौड़ी से थोड़ा सा ही आगे 3-4 किलोमीटर आगे हो गए ना बुआखाल से। हाँ तो वहाँ पहुँच चुके हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई, क्योंकि इतनी गर्मी में थोड़ा सा हवा चल रही तो ठंडा लग रहा है, बाकी दिन में तो हालत ख़राब होगी गर्मी के कारण। तो चलिए रास्ता और दिखा दें आपको। तो अभी हम पैदल पहुँच चुके हैं। गाँव में काफ़ी प्यारा सा गाँव है और हम यहाँ पर अभी NH 119 में पहुँच चुका और ये पौड़ी कोटद्वार का हाईवे और बहुत ही प्यारा हाईवे है। बहुत यहाँ पर अच्छी तरीके से राइडिंग हो सकती है, बट विल राइड सेफ और आराम से जाएंगे मस्त एकदम। थोड़ा पानी पिया हमने अभी क्योंकि हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस टाइम पे, गर्मियों का टाइम है। तो चलते हैं और आगे। तो हो गया था NH 119 स्टार्ट। काफ़ी प्यारी रोड थी, काफ़ी अच्छा रास्ता था। पौड़ी में अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि पौड़ी का रास्ता बहुत ख़राब है, बट पौड़ी से आप कहीं और जा रहे हैं आपको लगेगा रास्ता कितना प्यारा है, बट मेन पौड़ी में रास्ता अच्छा नहीं है। तो वैसे ही NH 119 बहुत प्यारा था। सुबह लेके गाय, सड़कों में गाइयाँ, सुबह लेके लोग जा रहे अपनी गायों को लेके, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इतनी जल्दी सुबह मैं कभी उठा नहीं हूँ। पहली बार महीने 2 महीने में एक बार मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, बट चलो कोई नहीं, उस बहाने थोड़ी सुबह की ज़िंदगी भी देखने को मिली। NH 119 एक टाइम के लिए सही था, बट कहते हैं ना कि लोग आते हैं एक्सपेक्टेशन तोड़ते हैं, वैसे सरकार आती है एक्सपेक्टेशन तोड़ती है, और NH 119 ने भी यही किया। चलो कोई नहीं, होता है। NH 119 है आपका, तो आप देख सकते हैं हालत। काफ़ी प्यारा हाईवे है ना। होता है, सब में कमियां होती है, बट कोई नहीं, सुधार करना ज़रूरी है। मैं ज्वालपा देवी मंदिर के गेट के बाहर पहुंच चुका हूं। तो आपने अगर ज्वालपा देवी मंदिर का ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर आई बटन में लिंक दे रखी है, जाके देखें। तो मंदिर अभी किसी दिन फुर्सत ना आके जाएंगे क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, फिर हमें अप डाउन भी करना पौड़ी। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। तो अभी हम यहाँ पर पार्टीशन पहुँच चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी थकान लग रही है, थोड़ी गाड़ी मैं भी चला लेता हूँ। तो सतपुली में जाके आप लोगों से मिलता है मस्त एकदम। वहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे लैंसडाउन जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। तो अब बारी आ गई थी मेरी गाड़ी चलाने की। तो दिव्यांश के पास गिम्बल था, उसने सारे शॉट्स लिए, काफ़ी अच्छे शॉट्स लिए उसने। तो देखते देखते हमें एक रेस्टोरेंट दिख गया जहाँ पर हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करते हैं। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट देयर, मस्त एकदम सही सा ब्रेकफास्ट किया हमने और उसके बाद हम चले गए। सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। काफ़ी सही पराठे थे बट आलू कम था उनमें, मज़ा नहीं आया इतना, बट स्टिल ब्रेकफास्ट लाइक तो ठीक था। और अभी हम सीधे लैंसडाउन मारेंगे अपना, सीधे नेक्स्ट स्टॉप। सतपुली नहीं वेट करेगी क्योंकि सतपुली में बहुत मतलब क्राउड भी है और बहुत अजीब सा लगता है सबको मतलब। तो हम सतपुली में नहीं रुके एंड आर नेक्स्ट स्टॉप विल बी लैंसडाउन। सो सीधे आपको लैंसडाउन के रास्ते की तरफ ले जाते हैं। भाई नींद इतनी आ रही है ना सबसे, भाई नींद के झटके आ रहे हैं मुझे। तो ज़िंदगी में आज तक मुझे कभी किसी गाड़ी से डर नहीं लगा, बट रोडवेज़ की बस देख के मेरी फट जाती थी। लाइक एक होता है ना कि सबका एक फेयर होता है, किसी को ट्रक देख के डर लगता है, मुझे रोडवेज़ की बस देख के डर लगता है। सो ऐसे ही कुछ हाल थे मेरे, तो मैंने बोला एक शॉट आपको रोडवेज़ का भी दिखा दूँ। सो फाइनली वी हैव रीच सतपुली और यहाँ हम रुकेंगे नहीं, कोई स्टॉप नहीं लेना। यहाँ से नॉन स्टॉप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो काफ़ी गर्म वाली जगह है, पौड़ी से तो ज़्यादा गर्म है यहाँ। अब पूरा क्लाइमेट पूरा चेंज ही दिखता है आपको यहाँ पर, मतलब कहाँ जैकेट में थे कहाँ हम अब टी शर्ट्स में उतर चुके हैं। लाइक सतपुली इज फेमस फॉर एक मच्छी की दुकान है यहाँ पर, बहुत फेमस है। बट टुडे देखेंगे अगर आते टाइम बन पाया तो बढ़िया, नहीं तो रहने देंगे। तो बिना रुके हुए हम सतपुली से आगे की तरफ चल पड़े। सतपुली से आगे जाके मेरा गांव भी आता है, संगलाकोटी मार्केट। सुना ही होगा आपने अगर आप वहाँ के लोकल हैं। और ग्राम मेरा कांडली है, तो कभी होगा जाना तो वहाँ का भी ब्लॉग कवर करूँगा। तो सतपुली से आगे जाते जाते इतने प्यारे नज़ारे दिख रहे थे। ठंड बढ़ रही थी, मतलब गर्मी कम हो रही थी, क्योंकि सतपुली में बहुत गर्म है और वहाँ की गर्मी झेली नहीं जाती। तो काफ़ी घने पेड़ दिखे, काफ़ी अच्छी वादियाँ दिखी, और कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत भी नहीं है इन सब चीज़ों में कि इनका कलर करेक्शन करके इनको थोड़ा बेटर बनाया जाए एडिटिंग में, सब नेचुरल है। तो उसके साथ साथ हम गए, बहुत लोग आए गए, बहुत रोड भी सही थी, इतनी ख़राब भी रोड नहीं थी और इतनी अच्छी रोड भी नहीं थी, बट सही था, काफ़ी सही चल रहे थे, मस्त एकदम अपनी जर्नी की तरफ है। भैया जेसीबी की खोदाई। तो फाइनली हम यहाँ पर गुमखाल से 2 किलोमीटर पहले पहुँच चुके हैं। यहाँ से लेंसडाउन है 13 किलोमीटर आपका। तो काफ़ी गंदी रोड थी, इतने गड्ढे थे रोड में भाई, इसने तो पीछे ही खराब कर दिया। हाय हाय। तो चलते हैं भाई मस्त एकदम, चलो सीधे आप लेंसडाउन मिलते हैं आपको। तो मेरे को याद आते हैं वो दिन बचपन के जब हम जाया करते थे ऐसी जगह। पहले तो हम अकेले से कभी नहीं गए, बट 12th पास की उसके बाद घर वालों ने थोड़ी फ्रीडम दी कि थोड़ा बाहर जाओ, क्योंकि तब तक बच्चे को अंदर बांध कर रखोगे ना तो तब तक बच्चा और बिगड़ेगा। जितना उसे छूट दोगे, इतनी छूट भी नहीं देनी कि वो पूरा बिगड़ ही जाए, बट थोड़ी बहुत छूट दे दो तो वो थोड़ा संभला भी रहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानता है। तो अभी आपने जैसे कि लेंसडाउन का बोर्ड देखा तो 12 किलोमीटर था, और वाला बोर्ड भी देखा होगा आपने जो आर्मी ने लगा रखा है, काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा था। तो ये रास्ता कितना प्यारा सा दिख रहा है भाई, अलग ही वाइब दे रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब सुकून मिल रहा है आके। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप जब आएंगे तो ज़रूर आइए यहाँ, बस एकदम स्टे भी मारिए। हमारा स्टे का नहीं हो पाएगा बट स्टिल विल मेक यू टू दैट प्लेस। और अभी मैं यही ब्लॉग एंड करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं सोच रहा कि इसे 2 पार्ट में बना दूँ। तो यहाँ तक आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टूके की जर्नी बहुत पास में, तो कीप इन माइंड कि आप अपने फैमिली रिलेटिव सबको शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए रास्तों का मज़ा लेते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। तो मुझे यहाँ पर अभी भैया दिखे और उनके पापा है यहाँ पर, तो उन्होंने भी मुझे रोका, तो उन्होंने बोला कि आप ब्लॉग करते हो कि नहीं, तो मैंने बोला मैं भी ब्लॉगर हूँ। तो ये भी ब्लॉगर है, इनका भी चैनल इन्होंने अभी 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट किया है। तो भैया आपका चैनल का नाम क्या है? तो भैया सब देखना, और मैं कहना चाहता हूँ कि सब 0 से स्टार्ट करते हैं और सब 0 से मिलियंस ट्रिलियंस में जाते हैं। तो वही है कि ऐसा किसी को डिमोटिवेट नहीं करना कि इसके अभी 200-300 है, सब अपना काम कर रहे हैं। और मेन थिंग ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको अपने काम की, उसमें ना मेहनत वगैरह, तभी आप ग्रो करोगे। वही है। और भाई के चैनल पर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। अरे धन्यवाद भैया। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। थैंक यू भाई। और मिलते हैं भैया आपको लेंसडाउन में। तो भैया कोटद्वार से है ना, तो हम पौड़ी से हैं, कोटद्वार से भैया। तो कभी कोटद्वार आएंगे तो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है भाई? अच्छा लगा मिलके। ठीक है अंकल जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे कोई नहीं अंकल, ठीक है अंकल, ठीक है अंकल जी, ओके बाय बाय बाय। सो काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। दे स्टॉप्ड अस। पहले मुझे लगा कि हमने कुछ गलती कर दी है, लाइक होते नहीं है लोग में रोड बोलते हैं कि रुको भाई तुम इस साइड से क्यों आए, तुम उस साइड से क्यों आए, बट दे स्टॉप्ड अस एंड दे टॉक्ड टू अस पोलाइटली कि आपका ब्लॉगिंग चैनल है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हो। सो दैट वाज रियली अ गुड इंटरेक्टिव सेशन विद देम। काफ़ी अच्छा लगता है लोगों से मिलके, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को लोगों से इंटरेक्ट करके, क्योंकि किसी ना किसी इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। तो मुझे भी अच्छा लगा कि दे रियली अप्रिशिएटेड मी, दे रियली गेव मी गुड वाइब्स, लाइक दोनों खुश में बात करके। तो उसके बाद यही होता है कि किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, सबको अप्रिशिएट करो, सबका हौसला बढ़ाओ, तभी जाके प्रोग्रेस करता है। किसी को डिमोटिवेट करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बट किसी को मोटिवेट करने से उस बंदे को बहुत कुछ मिल जाएगा, और तुम्हें रिटर्न में क्या मिलेगा, ब्लेसिंग्स। तो इस व्लॉग की एंड मैं यही करता हूँ। सो दैट इज़ फॉर Today, this is me, Hardik Rawat, the travel vlogger, vlogging my life, and let's go.